नमस्कार, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हेल्थ केयर में आज हम लोग चर्चा करेंगे मॉनसून यानी बरसात के मौसम में होने वाले बीमारियों के बारे में। कुछ बीमारियां जो आप जानते हैं, कुछ जैसे कि डेंगू, मलेरिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज, कुछ नहीं जानते हैं, क्या उसके लक्षण हैं, क्या उसके उपचार हैं, इन सब बातों पर चर्चा होगी। और खान पान और अगर कुछ बेसिक जो बातें हैं उसको ध्यान में आप रखते हैं तो इन बीमारियों से बच सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। और इस पर चर्चा कर लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं जाने माने देश के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल। आप को चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए डॉक्टर बीसी राय अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड और साथ ही कई अन्य नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और कई विशिष्ट संस्थाओं जो देश में चिकित्सा को लेकर काम कर रहा है उसके आप मेंबर हैं, तो मैं समझता हूं कि आपके नॉलेज और अनुभव हमारे दर्शकों को यह जानने के लिए लाभदायक साबित होगा कि इस बीमारी से कैसे बचा जाए। इस उम्मीद के साथ डॉक्टर के अग्रवाल को आमंत्रित करता हूं कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें और बाद में आपको प्रश्न भी लेंगे इस उम्मीद के साथ। वेलकम सर। नमस्कार। बातचीत हम कर रहे हैं मानसून सीज़न की। अगर हम साल को लेके चलें तो साल को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, उत्तरायण और दक्षिणायन। 14 जनवरी के आसपास से लेकर 14 जुलाई तक उत्तरायण होता है, जब सूर्य दिन बड़े होते हैं, रातें कम होती हैं, सूर्य की गति अलग स्पीड में होती है। और 14 जुलाई से लेकर 14 जनवरी तक दक्षिणायन, यानी कि यहाँ पे रातें लंबी चालू हो जाती हैं और दिन छोटे होने चालू हो जाते हैं। भीष्म पितामह ने वेट किया था उत्तरायण का कि मैं उत्तरायण में जाके अपने प्राण छोड़ूंगा, यानी कि उत्तरायण और दक्षिणायन का हमारे शास्त्रों में बहुत ज़्यादा महत्व है। दक्षिणायन जब स्टार्ट होता है उसके पहले 4 महीनों को हम चतुर्मास बोलते हैं, यानी कि अगर मैं 3 मौसम लेके चलूँ साल के अंदर में, तो 4 महीने गर्मी, 4 महीने सर्दी और 4 महीने वर्षा के मौसम। तो ये वर्षा का मौसम, जो वर्षा ऋतु है हमारी, जो 4 महीने की, इसको चतुर्मास भी बोलते हैं। सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, ये 4 महीने हमारे चतुर्मास के अंदर में कहलाते हैं। इन चतुर्मास के अंदर में शास्त्रों के अनुसार में देवता सो गए हैं, शादियां नहीं हो सकती, अच्छे काम नहीं हो सकते, मुहूर्त नहीं हो सकते, ये कुछ ऐसी धारणाएं हमारे शास्त्रों के अंदर में हैं। इसका मतलब क्या है ये हमें समझने की कोशिश करनी होगी कि चतुर्मास के अंदर में हमारी नेगेटिव थिंकिंग शरीर के अंदर में ज़्यादा होती है। सावन का महीना पवन करे शोर, यानी कि बाहर आंधी आती है तो मन में भी आंधी आती है। तेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, बाहर बारिश है लेकिन मेरा मन प्यासा है। ये नेगेटिव थिंकिंग हमारी उत्तरायण के, दक्षिणायन के पीरियड में, चतुर्मास में ज़्यादा होती है। इसलिए इस टाइम पे ज़्यादातर फेस्टिवल्स, ज़्यादातर फास्ट फेस्टिवल्स जो होते हैं हमारे, इसी समय के अंदर में होते हैं। इसी समय के अंदर में गुरु पूर्णिमा है, नागपंचमी है, जन्माष्टमी है, दशहरा है, दिवाली है, श्राद्ध है, सारे जो हमारे जो फेस्टिवल्स हैं फास्ट वाले, वो इसी 4 महीने में हैं, ताकि हमारे मन की जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो सके। तो कहने का मतलब है कि चतुर्मास के अंदर में बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ये पीरियड में आपको बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। गर्मी से पहले नवरात्रे होते हैं, सर्दियों से पहले नवरात्रे होते हैं, और ये पूरे के पूरे 4 महीने आपको प्रिकॉशंस लेनी है मानसून सीजन में, नहीं तो आपको बीमारियाँ हो सकती हैं। लेट्स टॉक अबाउट एक एक करके क्या क्या बीमारी होती है। सबसे पहले चतुर्मास में शादियां नहीं होती, मैंने एक तो कहा नेगेटिविटी ऑफ माइंड है, डिवोर्स रेट ज़्यादा होंगे। दूसरा, चतुर्मास में क्या हो रहा है, जब मानसून सीजन होगा तो सारे के सारे कीड़े ज़मीन के सरफेस पे आ जाएंगे, तो पत्ते वाली सब्जियां या जो सरफेस के ऊपर में जो फ्लावर्स एंड पत्तियां हैं उसके अंदर में घुस जाएंगे। तो इससे अगर आपने हाइजीन मेंटेन नहीं किया तो नीरोसिस्टिसरकोसिस जैसी बीमारी या पेट खराब होने की बीमारियाँ ये हो सकती हैं। इस मौसम में अगर आप सामूहिक भोजन करोगे तो लोगों का पेट खराब होगा। वैसे ही वर्षा ऋतु में अग्नि हमारी कम है, आयुर्वेद के अनुसार में हमारा पित्त कम है, अग्नि कम है, तो पेट में हल्का खाना खाना है, और अगर आप गलत खाना खिलाओगे या कीड़ों वाला खाना खिलाओगे तो पेट अपसेट ज़्यादा होगा। इसलिए वर्षा ऋतु के अंदर में हम सामूहिक भोजन में जहाँ पे हाइजीन की गारंटी नहीं है वो नहीं करते, यानी कि वर्षा ऋतु के अंदर में पेट जल्दी खराब होता है, इसका ध्यान हम लोगों ने रखना है। दूसरा, इस सीजन में क्या होगा, स्नेक, सांप बाहर निकल आते हैं वर्षा ऋतु में,
और इस ऋतु के अंदर में वर्षा के कारण से सांप निकल आते हैं तो स्नेक पॉइजनिंग बहुत ज्यादा होती है। जिस एरिया में स्नेक होते हैं स्नेक पॉइजनिंग इसी टाइम पे होती है, इसलिए नागपंचमी भी इसी टाइम पे आती है। नागपंचमी के दो मतलब है, एक तो स्नेक को कैसे हैंडल करना, दूसरा नाग अपने अंदर के ईगो को कैसे कंट्रोल करना, यानी कि अपने किसी की आदमी की ईगो को हट नहीं करना और अपनी ईगो को कंट्रोल में करना या अपनी ईगो को मारना, ये नागपंचमी का महत्व है। वर्षा ऋतु के अंदर में जगह जगह बारिश निकलेगी, बारिश के साथ में ग्लास कील वकोड़े कीलें बहुत सारी चीज़ें बह सकती हैं, और अगर आप नंगे पैर जा रहे हो तो आपके पैर में जख्म हो सकता है, पैर के अंदर में इंजरी हो सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्षा मौसम में फफूंदी यानी कि फंगस ज़्यादा आता है, चमड़े में लकड़ी के अंदर में फंगस ज़्यादा आता है, डबल रोटी में फंगस ज़्यादा आता है, और जिन लोगों को फफूंदी से एलर्जी है उनको फंगस इंड्यूस अस्थमा हो सकता है, उनको स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है फंगस के कारण से, उनका पेट खराब हो सकता है। तो ये भी हमारे को मानसून सीजन में देखना है कि अपने जूतों को, अपने वार्डरोब्स को, अपनी अलमारी को, लकड़ी से बनी हुई चीज़ों को ड्राई करके रखें, उसके अंदर में अगर पानी आएगा तो फफूंदी यानी कि फंगस उसके अंदर में आ सकता है। अब पानी, अगर आपके घर में ऊपर पानी की टंकी है और उसमें बरसात का पानी आ जाए और साथ में धूल आ जाए, आंधी आ जाए, तो पानी भी आपका जो है बरसात ऋतु में आपको प्योर नहीं है कि मेरा जो पानी साफ़ होगा कि नहीं होगा। तो अगर पानी आपका गंदा होगा तो आप उससे फल धोएंगे तो फल भी गंदे रहेंगे, सब्ज़ी धोएंगे तो सब्ज़ी भी गंदी रहेगी। तो याद रखिए, इस मौसम में अगर आप पानी और खाने की गंदगी से बचना चाहते हैं तो क्या करें, हीट इट, बॉयल इट, कुक इट, पील इट और फॉरगेट इट, यानी कि खाना वो खाना है जो गर्म करके खाएं, बॉयल करके खाएं, पका के खाएं या फल को छील के खाएं। देखिए, आपने आम खाया, अमरूद खाया या कोई भी फल खाया, पपीता खाया, उसको छीलना पड़ता है, छीलने के लिए हाथ साफ़ होने चाहिए, छीलने के लिए चाकू साफ़ होना चाहिए, छीलने के लिए जिस प्लेट में खा रहे हैं वो साफ़ होना चाहिए, लेकिन केले के लिए इनकी ज़रूरत नहीं है, छीला सारी गंदगी केले के छिलके में रह गई और आपने डायरेक्ट खा लिया। तो जिस चीज़ को आप हाइजीनिकली खा सकते हो मानसून सीजन में उससे आपका पेट खराब नहीं होगा, ये आपने ध्यान रखना है। पानी को उबाल के पीना है, छान के पीना है, साफ करके पीना है, अदरवाइज पानी से बनी हुई बीमारियां आपको हो सकती हैं। वायरल में इस सीज़न में वायरल भी बहुत होता है, वायरल कंजक्टिवाइटिस जिसको बोलते हैं कि आँख की लू लग जाना, वायरल के कारण से आपको अस्थमा, वायरल के साथ में आपको जुकाम, ये हर मौसम चेंज में अगर आपकी इम्यूनिटी कम ज़्यादा है तो आपको ये बीमारी हो सकती है। अब आपने पानी लिया, घर के अंदर में पानी इकट्ठा हो गया, कूलर में पानी इकट्ठा हो गया, घर के अंदर में ऊपर जो आपके ग्लास पड़े हुए हैं या चिड़िया का पानी पड़ा हुआ है वहाँ पानी इकट्ठा हो गया, और बारिश का पानी अगर इकट्ठा हो जाता है, अगर वो पानी 12 दिन तक वहाँ पर इकट्ठा रहे तो आपको डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की बीमारी भी हो सकती है। इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, बट एक और चीज़ को बात कर लें कि जैसे ही पानी आपने कूलर में भरा, कूलर चल रहा है, बरसात भी हो रही है, गर्मी भी है और बरसात भी है, और अगर आपने कूलर के पानी को बाहर, कूलर का के अंदर में जो अर्थिंग है वो प्रॉपर नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल डेथ्स भी इस सीज़न के अंदर में हो सकती हैं। सो इलेक्ट्रिकल डेथ का मतलब है कूलर में करंट है, यानी कि आपका जो 3 पिन प्लग है वो नहीं है घर में, या फिर अर्थिंग नहीं है वायर, या अर्थिंग प्रॉपर नहीं है, उस सिचुएशन में आपको करंट लग सकता है। यानी कि वर्षा में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिसके अंदर में अर्थिंग वायर नहीं है, अगर वो गीला है और उसमें करंट आपको लग सकता है जिससे आपकी मौत भी हो सकती है। नाउ वी कम बैक टू वाटर एक्यूमुलेशन। घर के अंदर में अगर पानी इकट्ठा है और उसमें मच्छर रुक जाए तो आपको 3 बीमारियां हो सकती हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। मलेरिया का मतलब क्या है कि मच्छर ने आपको काटा, काटने से मच्छर ने अपने अंदर के कीटाणु मलेरिया के आपके शरीर में डाल दिए, कुछ दिनों बाद में आपको ठंड लग के बुखार होगा, एक दिन जाड़ा लगेगा, एक दिन नॉर्मल हो जाएगा, एक दिन बुखार लगेगा, एक दिन हो जाएगा, आपको हेडेक भी हो सकता है, आपको आँखों में भी दर्द हो सकता है, और ये मलेरिया अगर फैलसी पैरम है तो आपकी किडनी डैमेज कर सकता है, लिवर डैमेज कर सकता है, आपके ब्रेन में घुस सकता है, आपको मार भी सकता है, छोटा सा मच्छर भी आपको मार सकता है। डेंगू का जो वायरस है वो भी मच्छर से आता है, ये मच्छर दिन में काटता है, नीचे रहता है, ज़मीन के नीचे रहता है, यानी कि अगर आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं तो डाइनिंग आपके टांगों से नीचे नीचे रहेगा, तो टांगों में या हाथों में काटेगा, 50 मीटर से ज़्यादा दौड़ता नहीं है ये,
यानी कि आपके घर के आसपास ही रहेगा, एक घर से दूसरे घर में, दूसरे से आपको, अनलेस आप उसको कार में बिठा के कहीं और ले जाओ तो। ये आपके शरीर के अंदर में घुस के डेंगी बुखार करेगा, जो कि डेंगी सिंपल बुखार भी हो सकता है, हेमोरेजिक फीवर भी हो सकता है जिसमें आपके शरीर में रैश आ जाएगा। उसके अलावा ये शॉक भी कर सकता है, यानी कि आपका बीपी लो कर सकता है, ऊपर का बीपी भी लो कर देगा, नीचे का बीपी बढ़ा देगा, जिसको बोलते हैं पल्स प्रेशर। ऐसी सिचुएशन के अंदर में आपको अगर डेंगी सीरियस वाला हो गया तो ये आपको जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि ये दिन में काटता है तो रात में मच्छरदानी से इसका कोई फायदा नहीं है। दिन में अगर आप हाफ स्लीव की शर्ट पहने हुए हो या निक्कर पहने हुए हो तो ये काटने के लिए ज़्यादा चांसेस हैं इसके। अगर आपके घर में डेंगी है तो आसपास जाके ढूंढो मच्छर कहाँ पर है। याद रखिए, डेंगू एक दिन में 3 लोगों को काटता है और मलेरिया का मच्छर 3 दिन में 1 आदमी को काटता है, तो डेंगू ज़्यादा खतरनाक है। अगर आपने उसको नहीं पकड़ा तो 3 दिन में 9 लोगों को काट के बीमारी को फैला सकता है। डेंगू में बुखार होगा, आंखों में दर्द होगा, रैश होगा, जोड़ों में दर्द होगा, लेकिन साथ में प्लेटलेट काउंट जो है इसमें कम होना चालू हो जाता है। डेंगू में कब एडमिट हो, इसका एक फार्मूला है, फार्मूला ऑफ 20। अगर आपका प्लेटलेट काउंट 20,000 से कम है, अगर आपका ब्लड प्रेशर 20 से कम फॉल हो गया, अगर आपकी दिल की धड़कन 20 से ज़्यादा बढ़ गई, अगर आपने टूर्निकेट टेस्ट अपने डॉक्टर से कराया और 1 इंच में 20 ब्लीडिंग स्पॉट्स हैं, उस सिचुएशन के अंदर में आपको जाके डॉक्टर से बात करनी है। वो हीमेटोक्रिट टेस्ट करेगा, वो भी 20% से ज़्यादा निकल के आएगा। उस सिचुएशन में आपको 20 ml पर kg पर आवर नींबू पानी नमक मिला के पीना है। इतना पानी पियो कि आपको डेंगू अफेक्ट ना करे। डेंगू में एक और ख़ास बात है कि डेंगू का बुखार जब ख़त्म हो जाता है तब पेशेंट सीरियस होता है। यानी कि डेंगू जब हो गया आपको तो उसके बाद में जब बुखार खत्म हो जाता है वो 2 दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे लीकेज होने के कारण से आपका बीपी शॉर्ट होता है। लोग क्या करते हैं, जब एडमिशन की ज़रूरत नहीं, कहते एडमिट कर लो, और जब बुखार उतर जाता है, जब उनको एडमिशन की ज़रूरत है, तब बोलते हैं कि आप जल्दी जल्दी मुझे घर भेज दो। वो नहीं करना। चिकनगुनिया चिकन नहीं है, ये मुर्गी नहीं है, चिकुन है, CHIKUN, चिकनगुनिया, यानी कि ये वाला पोस्चर। आदमी को बुखार है, जोड़ों में दर्द है, और जैसे ही वो अपने हाथ पैर को आगे फ्लेक्स करता है, कहता है मुझे जोड़ों में आराम मिलता है, इसको बोलते हैं चिकनगुनिया। इसके अंदर भी प्लेटलेट काउंट लो हो सकता है, जोड़ों में सीवियर दर्द होता है। दोनों में, चिकनगुनिया में और डेंगू फीवर के अंदर में, लिवर इफेक्ट होता है। SGOT एक लिवर एंजाइम है जो SGPT से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन चिकनगुनिया में ये ज़्यादा होता है, डेंगू में ये ज़्यादा होता है। चिकनगुनिया का इलाज समय पे जाके धीरे 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 जाके होता है। इसमें जोड़ों का दर्द 3 महीने, 6 महीने और 1 साल भी रह सकता है। चिकनगुनिया को इग्नोर ना करें। सो वापिस आते हैं डेंगू की तरफ। एक आदमी को डेंगू 4 बार हो सकता है, 4 प्रकार के डेंगू हैं। तो एक आदमी को इस साल डेंगू हुआ तो अगले साल दूसरे प्रकार का हो सकता है, तीसरे साल तीसरे प्रकार का हो सकता है, और जैसे जैसे प्रकार बदलेंगे वैसे वैसे डेंगू सीवियर होता जाएगा। तो इसलिए अगर किसी को पिछले साल डेंगू का अटैक पड़ा तो इस साल भी पड़ा तो वो अटैक पिछले साल से ज़्यादा सीरियस होगा। ये हो गई मच्छरों से बीमारी। अब एक और बीमारी वेस्ट में फैली हुई है, वेस्ट नाइल डिसीज़। वो बीमारी के अंदर में भी बुखार होता है लोगों को, और उसके अंदर में मेनिंगो इंसेफ्लाइटिस, ब्रेन का बुखार भी हो सकता है, और वो भी मच्छर से होती है। अभी तक नहीं मालूम कि इंडिया में है कि नहीं है, लेकिन वेस्ट में ये बीमारी फैल रही है, तो डॉक्टरों को ध्यान रखना चाहिए, खासकर जो सरकारी हैं, कि इंडिया में ये बीमारी कहीं घुस ना जाए। वेस्ट नील डिसीज़ भी मॉस्किटो से इसी समय पे मानसून सीजन के अंदर में ही होती है। अब बातचीत करते हैं हम टाइफाइड की, और बातचीत करते हैं हम जॉन्डिस की। टाइफाइड की बीमारी गंदा खाना से, मक्खियों से एक दूसरे के ऊपर फैलने से, और गंदा पानी पीने से फैलती है, और जॉन्डिस भी इसी तरीके से फैलती है, खासकर जॉन्डिस ए और जॉन्डिस ई। अब टाइफाइड में क्या होता है, आपने गलत खाना खा लिया तो आपके पेट में टाइफाइड के कीटाणु चले गए। कटे हुए फल अगर बाज़ार में मिल रहे हैं, अगर बाज़ार में आप कोई जूस पी रहे हो जो हाइजीनिक के लिए नहीं बनाया हुआ, तो उससे आपको टाइफाइड हो सकता है। टाइफाइड में आपको बुखार होगा, हाई ग्रेड, मॉडरेट ग्रेड, लंबा बुखार होगा टाइफाइड के अंदर में। टाइफाइड के अंदर में बुखार टूटेगा नहीं। मलेरिया में क्या होता है, बुखार आया और चला गया, आया और चला गया, टाइफाइड में वो टूटेगा नहीं। आपको वीकनेस लगती है, आपकी तिल्ली बढ़ सकती है, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको नौशिया हो सकता है, आपको थोड़ा सा डायरिया हो सकता है, आपको थोड़ा सा खांसी हो सकती है, और इस सिचुएशन में अगर आपको एंटीबायोटिक नहीं दी तो आगे जाके टाइफाइड सेप्सिस, यानी कि ब्लड में अगर चला गया टाइफाइड पूरा, तो आपको जाके आपके शरीर के अंदर में बहुत सारी बीमारियाँ कर सकता है। मेनिंजाइटिस भी कर सकता है टाइफाइड, निमोनिया भी कर सकता है टाइफाइड, जो है बोन में भी घुस सकता है, पेट की
आंतड़ियों को भी फाड़ सकता है, इसलिए समय पर इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको टाइफाइड हुआ तो आपको देखना चाहिए आप कैरियर तो नहीं हो, अपने डॉक्टर से जांच कराएं। ऐसा तो नहीं है कि आपके स्टूल के अंदर में टाइफाइड के बैक्टीरिया हमेशा के लिए घुस गए हों, तो उससे क्या होगा, आप दूसरों को इन्फेक्शन दे सकते हो। जॉन्डिस, पीलिया जिसको हम बोलते हैं, पीलिया 5 प्रकार का होता है, पीलिया ए, पीलिया बी, पीलिया सी, पीलिया डी, पीलिया ई। बी वाला जो पीलिया होता है वो फैलता है खून से, खून या खून के पदार्थों से, या प्लाज्मा से या सीरम से फैलता है। वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलेगा, नीडल इंजरी से फैलेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलेगा। ये अगर बीमारी जॉन्डिस की हो गई और सीरियस हो गया बी वाला, तो आगे जाके लिवर का कैंसर भी कर सकता है। सी भी इसी प्रकार के माध्यम से फैलता है, लेकिन ये स्लो वायरस है और ये सीधा जाके लिवर को परमानेंटली डैमेज कर देगा। डी एक भयंकर प्रकार की बीमारी है जो सिर्फ बी वालों को होती है, यानी कि मानसून सीजन में बी, सी और डी मानसून के कारण से तो नहीं होंगे। मानसून के कारण से जो आपको जॉन्डिस होगा वो जॉन्डिस ए या जॉन्डिस ई होगा। ए बच्चों में, ई बड़ों में। इसमें क्या होगा, आदमी को बुखार होगा, बुखार खत्म हो जाएगा, पेशाब पीला होना चालू हो जाएगा। बुखार के साथ में जॉन्डिस दोनों इकट्ठे नहीं होते। बुखार खत्म हो गया, जॉन्डिस अपीयर हुआ, स्किन पीली हो गई, कंजक्टिवा आपका जो आंखें पीली हो गई, पेशाब पीला हो गया, आपको भूख लगनी थोड़ी कम हो गई, इसके बाद में आपका जॉन्डिस यानी कि पीलिया धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, लिवर में डैमेज होता जाएगा, SGOT SGPT आपके बढ़ते जाएंगे। यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप जाके ठीक हो जाता है। लेकिन जो लोगों को फैटी लिवर है, जिन लोगों को अल्कोहल पीते हैं, जिनका लिवर पहले से डैमेज्ड है, उसके अंदर में ये जाके ज़्यादा डैमेज कर सकता है, प्रेगनेंसी में। खासकर प्रेगनेंसी में अगर वायरल हेपेटाइटिस ई हो जाए तो बच्चे को, माँ को, दोनों को खतरा है। उसमें एन्सेफलोपैथी, एन्सेफलाइटिस, वायरल इंकोफ्लोपैथी जिसको बोलते हैं, वो होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। और उसके अंदर में लिवर डैमेज हो जाए तो कई बार लिवर को बदलने की ज़रूरत भी पड़ती है। सो हमने क्या देखा कि मानसून सीजन में हमारी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो कि या तो पानी से रिलेटेड है, गंदा पानी है, पानी और हमारा मिक्स हो गया साफ पानी के साथ में, या पानी इकट्ठा हो गया तो उसमें मच्छर घुस गए, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो गया, या वेस्ट नील जो अमेरिका के अंदर भी बीमारी फैल रही है। अगर पानी हमारा गंदा है तो टाइफाइड हो गया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गई, जॉन्डिस हो गया, ये हमारी बीमारियाँ आ गई। और मौसम के अनुसार में वायरल हमेशा होता है। और पेट हमारा अगर ख़राब है तो पेट में ख़राब होने के कारण से खाना हमारे को पूरा पचेगा नहीं। अब मैंने बात करी थी इलेक्ट्रोक्यूशन की, बिजली का करंट मानसून के सीजन में काफ़ी हद तक लोगों को लगता है और बिजली के करंट से लोगों को झटका भी लग जाता है। इसमें कुछ आम चीज़ों के बारे में हम बातचीत कर लें। सबसे पहले बिजली का करंट लग जाए तो आप सबसे पहले बिजली को डिस्कनेक्ट करो। जब बिजली को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया और आदमी की तरफ देखो जिसको बिजली का करंट लगा है, अगर वो चिल्ला रहा है, दर्द से कराह रहा है, तो चिंता मत करो, वो जिंदा है, वो मरेगा नहीं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल डेथ होती है वो इंस्टेंटेनियस होती है। अगर उसको इलेक्ट्रिकल इंजरी हुई है, आप ले जाके डॉक्टर को जाके वहाँ पे दिखा लो। अगर वो आदमी इलेक्ट्रिकल डेथ से मर गया, यानी कि बिजली का करंट लगा और आदमी को होश नहीं है, बेहोश हो गया और मर गया, इसका मतलब है उसके हार्ट में इलेक्ट्रिकल फिब्रिलेशन हो गया, उसकी मौत हो गई, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, इमीजिएटली उसको डिस्कनेक्ट करोगे पहले बिजली से, अदरवाइज आपको भी बिजली का झटका लग जाएगा। जब आप बिजली से उसको डिस्कनेक्ट करोगे तो फिर क्या होगा, फिर आप उसकी छाती, उसको ज़मीन पे लिटा के उसकी छाती के बीचों बीच, ये देखिए ये मेरी चेस्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक छाती के बीचों बीच 1 फुट की दूरी से कंटिन्यूसली 2-4 मुक्के मारने के बाद में उसकी छाती को दोनों हाथों से दबाते जाओगे 100 पर मिनट की स्पीड से। फार्मूला ऑफ 10, 10 मिनट के अंदर 10 मिनट तक 10×10 100 पर मिनट की स्पीड से उसकी छाती पीटो। लोग मर जाते हैं अपनी छाती पीटने, अपनी छाती पीटने के बदले उसकी छाती पीटो। इस सिचुएशन में आप उसको बचा सकते हो, मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकते हो। कुछ एक और मिसलिनियस जो चीज़ें मैंने कही थी, इनको और डिटेल में ले लेता हूँ। पहला, स्नेक पॉइजनिंग। अगर किसी को सांप ने काटा तो चिंता मत करिए, ज़्यादातर सांप खतरनाक पॉइजनस नहीं होते। लोग सांप के डर से मरते हैं, सांप के काटने से नहीं मरते। जो पिक्चरों में दिखाते हैं कि सांप ने काट लिया, हीरो गया और उसने मुंह से उसको निकाला और थूका, निकाला और थूका, साइंस कहती है इसका कोई रोल नहीं है। कहीं कोई स्टडी नहीं है जिसमें बोला गया कि आप अपने मुंह से उसका सारा का सारा पॉइजन निकाल सकते हो। जो आप ब्लड निकाल रहे हो उसके अंदर में पॉइजन इतना होगा ही नहीं कि आप किसी आदमी की जान बचा सको, लेकिन अपनी जान को जोखिम में जरूर डाल सकते हो।
अगर किसी ने सांप ने काटा तो उसको साबुन से अच्छे से धो दो, ज़्यादा से ज़्यादा आप काटने के ऊपर में एक टूर्निकेट लगा के कस्के बांध के उसको डॉक्टर के पास ले जाएं। ज़्यादातर याद रखें सांप पॉइजनस नहीं होते, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं सांप ने काटा उसको जगा के रखो जगा के रखो, कोई मतलब नहीं है इसका। सो सांप काटे का इलाज है, समय पर डॉक्टर के पास ले जाओगे तो आपको वो एंटी स्नेक वीनम दे के सीरम दे के आपको बचाने की कोशिश करेगा। फिर मैंने कहा कि इंजरी होती है हमारे यहाँ पे कीलों की, आपके साथ में शीशों की, घर के अंदर में पानी से बहते हुए आंधी आ गई, आंधी से आपको इंजरी हो गई, तो रिमेंबर द फॉर्मूला स्क्रब क्लीन एंड ड्रेस, स्क्रब स्क्रब क्लीन एंड ड्रेस। आपने साबुन से या बीटाडीन का स्क्रब आता है या साबुन ले लिया या कोई भी आपने एंटीसेप्टिक ले लिया उससे अपने हाथ धोए, क्लीन जहाँ पे आपको चोट लगी उस वुंड को आपने अच्छे से साफ किया और फिर आपने ड्रेस किया। ड्रेस के लिए आप क्या करेंगे उसमें आप बीटाडीन ऑइंटमेंट या कोई भी एंटीसेप्टिक लगाने के बाद में या आपके पास में लगाने के बाद में आपने उसको बैंडेज लगा दी, बैंडेज नहीं है तो रुमाल को प्रेस करने के बाद में उसको लगा लिया तो इसमें आपको ठीक हो जाएंगे। अब जब हम आंधी की बात कर रहे हैं, तूफान की बात कर रहे हैं, सो आंधी तूफान में और क्या होता है, धुआं आएगा तो आपको अस्थमा का अटैक पड़ सकता है। सो बी केयरफुल कि अगर आपको आंधी तूफान के आने की आशंका है और आप अस्थमेटिक हो तो अपनी खिड़कियां बंद रखें, क्योंकि अगर वो धूल आपके कमरे में आ गई तो आपको अस्थमा का अटैक पड़ सकता है। उस सिचुएशन में आपको अपने डॉक्टर से बात करके इनहेलर्स कम ज़्यादा करने पड़ेंगे। जब आंधी आती है तूफान आता है तो सबसे पहले पेड़ गिरते हैं, खासकर पुराने के पेड़। सो वो सारे लोग जिनको पेड़ों के नीचे बैठने की आदत है अपने प्रेम प्रेमिका, खासकर ध्यान रखें कि ऐसे पेड़ के नीचे ना बैठें जहाँ पर वो हल्का हो पुराना हो और आंधी आए तो पेड़ की डालियाँ टूट जाएँ या पेड़ टूट जाए। लोग कारों को अपनी पेड़ के नीचे खड़ा कर देते हैं और हमने बहुत देखा है लोगों को कि पेड़ गिरा और कार टूट गई। मुझे याद है एक लड़की का, यंग 18 साल की लड़की, पेड़ गिरा रीढ़ की हड्डी टूट गई और कम से कम 6 महीने तक वो बिस्तर में रही। सो आंधी तूफान के मौसम में आपने ये ध्यान रखना है कि पेड़ों के नीचे नहीं बैठना, पेड़ों के नीचे अपनी व्हीकल को खड़ा नहीं करना। मानसून के सीजन में बारिश आती है तो एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं कार के, आपकी कार बंद हो जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, कार के अंदर में स्लिप कर जाती है आपकी साइकिल मोटरसाइकिल स्कूटर और आपको इंजरी भी हो सकती है, और अगर आपका वाइपर काम नहीं कर रहा तो प्रॉब्लम हो सकती है, रात के समय में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सो केयरफुल ड्राइविंग मानसून सीजन में बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज मानसून रिलेटेड एक्सीडेंट्स डेथ्स डिसेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। सो आपने ध्यान रखना है मानसून सीजन में कि जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं स्लो चलाएं, आपका गाड़ी का जो जो लाइट है वो प्रॉपर हो, पीछे वाले को मालूम होना चाहिए कि आपकी गाड़ी आगे जा रही है, और आपने देखना है कि गाड़ी के अंदर में कहीं रास्ते में बंद तो नहीं हो जाएगी, और गाड़ी के अंदर में अगर आपकी गाड़ी बंद हो जाती है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और रात के समय मानसून में अगर बारिश ज़्यादा हो रही है तूफान आ रहा है तो आपको गाड़ी को बहुत ध्यान से चलाना है। और अगर किसी को एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करें, मान लीजिए आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो रिमेंबर द फार्मूला प्लेटिनम 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर अंदर एक्सीडेंट विक्टिम को उठा के अस्पताल पहुंचा दो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक विक्टिम साइट पे रह सकता है, दैन इज गोल्डन आवर। 1 घंटे के अंदर अंदर जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है और वो जिंदा है उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर दो और उसकी बॉडी की जो फ्लूइड है इतना फ्लूइड उसको दे दो कि फ्लूइड डेफिशिएंसी उसकी ख़त्म हो जाए और जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उस ब्लीडिंग को बंद कर दो। ब्लीडिंग को बंद करने का तरीका क्या है कि इमीडिएटली जहाँ ब्लीडिंग हो रही है उसको दबा के रखो, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। और अगर किसी आदमी का फ्रैक्चर हो गया है, चोट लग गई है, तो एक जोड़ नीचे और एक जोड़ ऊपर, वहाँ पे लंबी एक डंडी बांध के लकड़ी की उस हाथ को बांध दो या पैर को बांध दो ताकि रास्ते में उसकी हड्डी एक जगह से दूसरी जगह पे ना चले। तो हमने आज करीबन सारी बीमारियाँ जो मानसून में हो सकती हैं इसके बारे में आपसे बातचीत करी। एक जो खास बीमारी है या जो सब लोगों का होता है कैदस और लूज मोशन, उस केस में क्या करना चाहिए, जो इमीडिएट स्टेप्स लोगों के बीच होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? लूज मोशन के लिए, हाँ, लूज मोशन और कैदस दोनों साथ में, लूज मोशन एंड वॉमिटिंग, तो हम अलग अलग लेके चलेंगे, सिर्फ वॉमिटिंग, सिर्फ डायरिया और वॉमिटिंग एंड डायरिया तीनों चीज़ें। वॉमिटिंग फ्लू के अंदर में होता है, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक फ्लू,
अगर किसी को वॉमिटिंग हो रही है, बार बार वॉमिटिंग हो रही है, और वॉमिटिंग अगर आप बंद नहीं करोगे तो वॉमिटिंग एक विशियस साइकिल है, वॉमिटिंग आपकी कंटिन्यू रहेगी। इस सिचुएशन के अंदर में वॉमिटिंग अगर आपको हो रही है, घरेलू इलाज आप कर सकते हैं, अदरक चूस सकते हैं, नींबू चूस सकते हैं, नींबू पानी नमक वाला इसका बेस्ट आंसर है, कोकोनट वाटर ट्राई कर सकते हैं। अगर फिर भी वो वॉमिटिंग बंद नहीं होती तो फिर डॉक्टर आपको एक सबलिंगुअल दवाई देगा वॉमिटिंग बंद करने की, उसको आप चूसेंगे तो वॉमिटिंग बंद हो जाएगी। उसके बाद में आपने कंटिन्यूअसली नींबू पानी नमक वाला लेते रहना है ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, और जैसे ही आप पोटेशियम रिप्लेस करोगे तो वॉमिटिंग बंद हो जाएगी। जहां तक डायरिया का सवाल है, डायरिया दो प्रकार का होता है, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। बड़ी आंत का डायरिया पेनफुल होगा, उसमें क्रैम्स आएंगे, उसमें ब्लड आएगा, उसमें म्यूकस आएगा, उसको डिसेंट्री बोलते हैं, उसका इलाज एंटीबायोटिक है। लेकिन छोटी आंत का जो डायरिया होता है वो एफर्टलेस, फुल ऑफ वाटर, वाटरी, एफर्टलेस, पेनलेस, घटघट घटघट करके पानी निकलता चला जाएगा, जैसे राइस वाटर की तरह पानी निकल जाएगा। उसका जो इलाज है वो है चीनी नमक का घोल। 1 लीटर पानी में 4 चम्मच चीनी, 20 ग्राम शुगर, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच एक नींबू, और 1/4 चम्मच आपने मीठा सोडा डाल दिया, यह बाजार में ORS के नाम से मिलता है, या फिर आपने मीठी नमकीन शकंजवी बना ली। ये कंटिन्यूअसली आदमी को पिलाते जाओ। फॉर्मूला याद रखो, 8 से कम लूज मोशन घर में इलाज करो, 8 से 12 लूज मोशन डॉक्टर से बात करो, 12 से ज्यादा लूज मोशन अगर आपको हो रहे हैं तो हो सकता है कि डॉक्टर आपको एडमिशन के लिए एडवाइस करें। और एक और फॉर्मूला, 1 लूज मोशन इज इक्वल टू 200 ml वाटर लॉस। जितने लूज मोशन उतने ग्लास शकंजवी पीनी है, तब जाके आपको इलाज होगा। अगर आपको लूज मोशन हो गए तो हर 8 घंटे में पेशाब होना जरूरी है, अगर आपको पेशाब नहीं हुआ तो किडनी फेल हो जाएगी। सो लूज मोशन में हमें क्या याद रखना है, जितने लूज मोशन उतने ग्लास नींबू पानी शकंजवी, और हर 8 घंटे में पेशाब होना जरूरी है। सिंपल फार्मूला है, शकंजवी पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ जब तक पेशाब ना हो जाए। जिस वक्त पेशाब हो जाएगा इसका मतलब है डिहाइड्रेशन खत्म हो गया। ओके, तो अदरक नींबू आप बताया चूसने का, तो क्या जिसको वोमिटिंग हो रहा है अदरक ले, ये घरेलू इलाज है। हाँ। अदरक चूस लो, नींबू चूस लो, और ये तो घरेलू इलाज है। बट हमारे यहाँ तो फिर हमारे डॉम पेरिडोन दवाई आती है सबलिंगुअल, वही हम देते हैं एलोपैथी के अंदर में। तो ओके, वो सेफ दवा है, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेफ दवा है। लेकिन डॉक्टर से बात कर लें अपने GP से, और आप ले सकते हैं, और अपने घर में डॉक्टर से लिखवा सकते हैं। अगर आप अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाओ और उसको बोलो कि मेरे को कुछ दवाइयाँ का चार्ट बना दे घर में SOS के लिए, कब कब मैं ले सकता हूँ, तो वो आपको चार्ट बना के दे देगा, और दवाइयाँ खरीद के आप ले सकते हैं। पेरिनॉर्म का दवा ऐसे कोई भी पेरिनॉर्म और डोमपेरिडोन में, डोमपेरिडोन जो है मेटोक्लोप्रामाइड जो पेरिनॉर्म है, उसमें कई बार ब्रेन में इफेक्ट होने का चांसेस ज्यादा होता है, उससे सेफ डोमपेरिडोन है। डोमपेरिडोन है, ये कई सारे नाम से आती है, DOM-DT, डोमस्टॉल, कई सारे नामों से आती है। अपने डॉक्टर के पास जाके आप एक फर्स्ट एड की दवाइयाँ साल भर के लिए लिख लें कि मेरे को उल्टी हो जाए तो क्या करूँ, एसिडिटी हो जाए तो क्या करूँ, मेरे को डायरिया हो जाए तो क्या करूँ, तो डॉक्टर आपको लिख के दे सकता है। वो दवाइयाँ आप अपने घर में रख सकते हैं, और एक बार डॉक्टर से आपने पूछी तो साल भर तक बीच में ले सकते हैं। तो आप बता दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा लोगों को, क्योंकि ओके ये कह रहे हैं कि फर्स्ट एड बॉक्स घर में क्या रखना है, लेकिन आपको प्रिस्क्रिप्शन अपने डॉक्टर से ही लेना पड़ेगा। मैं आपको बता सकता हूँ कि अपने डॉक्टर से आप क्या क्या मांगें। घर में चोट लग जाए तो हमेशा आप घर के अंदर में आप इधर बीटाडीन या सेवलॉन कोई भी चीज़ रख सकते हैं, या डिटॉल रख सकते हैं। अगर आप बीटाडीन रखते हैं अपने घर के अंदर में, तो अपने डॉक्टर से बात करें, तीनों प्रकार के स्क्रब, बीटाडीन स्क्रब भी आता है, बीटाडीन सॉल्यूशन भी आता है क्लीन करने के लिए, और बीटाडीन के साथ में जो है ऑइंटमेंट भी आता है चोट में लगाने के लिए, ये आप घर में रख सकते हैं। एक पट्टी जरूर होनी चाहिए घर के अंदर में, और गॉस पीसेस घर के अंदर में होने चाहिए। ये तो हो गया चोट के लिए, जो अगर चोट हो जाती है तो आप क्या करें। दूसरा, घर के अंदर में क्या होना चाहिए, अगर आपको बुखार है तो पैरासीटामोल सेफ है। पैरासीटामोल की दवाइयाँ बहुत सारी कंपनियों के नाम से आती है, पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम की गोली आती है। मैं बातचीत कर रहा हूँ 12 साल से ऊपर की, क्योंकि मैं बच्चों का डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एडल्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। पैरासीटामोल की गोली 1 या 2 आप खा सकते हैं, और 2 अगर ज़्यादा पैरासीटामोल की जरूरत है अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें, लेकिन कभी कभी अगर आपने पैरासीटामोल खा ली तो नुकसान नहीं है। पैरासीटामोल की दवाई ना अस्थमा प्रेसिपिलेट करती है, ना लीवर को डैमेज करती है, ना किडनी को डैमेज करती है, अगर सीमित मात्रा में ली जाए। बहुत ज़्यादा मात्रा में हो तो ये लीवर को डैमेज कर सकती है। सो और आदमी को घर में खांसी होता है तो खांसी के लिए आप शहद ले सकते हो, शहद से आराम नहीं मिलता, तो कोई भी एक कफ सिरप आप अपने घर में रख सकते हो जो खांसी को दूर कर सके। और चीज़ें आपके घर में, अगर आपके घर में स्मॉल डायरिया कभी हो जाता है घर के अंदर में, तो आप ORS के पैकेट्स या बना के रखें या घर के अंदर में रखें, वो आप रख सकते हैं। कई बार लोगों को एसिडिटी होती है तो आप डाइजीन या जेलुसिल की दवाई अपने घर में रख सकते हैं, और 2-4 चम्मच पी लीजिए। इसके अलावा कंटिन्यूस दवाई की ज़रूरत है तो अपने डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं।
अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो फिर आप इसबगोल, त्रिफला, इसके कॉम्बिनेशन भी बाजार में त्रिफगोल के नाम से अवेलेबल है, या फिर एक मेविकॉल करके एक दवाई अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि जिसमें पॉलीथिलीन ग्लाइकोल होता है, जो कि आप उसको एक 150 ml पानी में मिला के पी लीजिए, तो आपको जो है लूज मोशंस जो है डायरी, आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो करेक्ट हो जाता है। और अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि मेरे को मेविकॉल का प्रिस्क्रिप्शन दे, मैं घर पे लेके रख सकता हूँ। या फिर इसके अलावा त्रिफगोल आता है, जो त्रिफला और इसबगोल का कॉम्बिनेशन है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, सेना करके कंपाउंड्स आते हैं आयुर्वेद में, वो भी अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, जो डॉक्टर को आपको लगेगा वो प्रिस्क्रिप्शन आपको वो दे सकता है। इसके अलावा किसी को अगर हेडेक होता है घर के अंदर में बहुत ज़्यादा, तो अगेन पैरासिटामोल इसका आंसर है। बॉडी एक हो रहा है तो पैरासिटामोल इसका आंसर है। तो आदमी को ज़्यादातर घर में बुखार होता है तो बुखार की दवाई आप ले सकते हैं। तो यही एक कॉमन दवाइयां हैं जो आपको लेनी है। इसके अलावा जो बीमारियां, एक होती है एस्पिरिन की गोली, वाटर सॉल्युबल एस्पिरिन, हर घर में होनी चाहिए। वाटर सॉल्युबल एस्पिरिन 300 मिलीग्राम की डिस्प्रिन के नाम से आती है, और भी कई सारी कंपनियों के नाम से आती है। वो एक प्रिस्क्रिप्शन लेके अपने घर में जरूर रखनी चाहिए। अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए, छाती में दर्द हो, घुटन हो, जलन हो, और आपको लग रहा है कि हार्ट अटैक हो सकता है और आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, तो अगर आप वाटर सॉल्युबल 300 मिलीग्राम एस्पिरिन की गोली को चबा लें इमीडिएटली, तो आपको मरने की संभावना 22% कम हो जाएगी। तो याद रखिए, एस्पिरिन वाटर सॉल्युबल हर घर के अंदर में होनी चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो किसी को भी भूलना नहीं चाहिए। अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है मान लीजिए, तो फिर आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं, ड्रोटीन नाम की एक दवाई आती है, और भी कई सारी दवाइयाँ आती हैं जो कि पेट के दर्द के लिए होती हैं। तो आप अपने डॉक्टर से बात करके एक पेट के दर्द की दवाई का प्रिस्क्रिप्शन रख ले, ताकि घर में पड़ी रहे, कभी पेट दर्द हो जाए तो आप ले सकते हैं। दांत में दर्द है तो क्लोव ऑयल, सिंपल लौंग का तेल अगर आप लगाएंगे, दांत का दर्द आपका इससे कम हो जाता है। ये तो घरेलू इलाज है, आयुर्वेद का ट्रेडिशनल इलाज है। एलोपैथी में भी हम क्लोव ऑयल लोगों को सजेस्ट करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आप क्लोव ऑयल को लगा लें। ओके, और जलने पर जलन, अगर जल जाता है किसी का घर के अंदर में, मान लीजिए यहाँ पे कोई गर्म चाय लग गई या जल गया, तो बहते पानी में तब तक हाथ को रखें, जले हुए हिस्से को रखें, जब तक जलन बंद ना हो जाए। और अगर फफोला बन जाए तो फफोले को तोड़े मत, और उसके बाद में आप उसमें साफ पट्टी बांध के डॉक्टर के पास ले जाएं। हल्का सा है, हम तो सिल्वर सल्फाडाइजिन करके एक ऑइंटमेंट हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स को। अगर आप चाहें तो अपने घर के अंदर में कोई भी एक ट्यूब जिसमें सिल्वर सल्फाडाइजिन हो, वो आप खरीद के अपने घर के अंदर में रख सकते हैं, जिसमें आप बर्न के ऊपर लगाने के बाद में पट्टी लगा देंगे, तो अगर माइनर बर्न है तो आप घर में इसका इलाज कर सकते हो। अगर किसी को कुत्ते ने काट खाया, आदमी ने काट खाया, बच्चे ने एक दूसरे को काट खाया, तो उस सिचुएशन के अंदर में साबुन के पानी से अच्छे से धोएं, उसके बाद में कोई भी एंटीसेप्टिक जैसे बीटाडीन का कोई भी चीज़ है, स्क्रब, एक प्रिंसिपल याद रखिए चोट का, स्क्रब, क्लीन एंड ड्रेस। स्क्रब का मतलब अपने हाथ धोएं अच्छे से, जो आदमी पट्टी कर रहा है स्क्रब करे, अपने हाथ को अच्छे से धोए, क्लीन, जहां चोट लगी है उस वोन को धोएं, क्लीन करें अच्छे से, और ड्रेस, उसके बाद में कोई भी ऑइंटमेंट लगा के उसमें पट्टी बांध दे। ये प्रिंसिपल सबको ध्यान रखना चाहिए। ये ना हो कि आपने किसी को पट्टी करने के लिए अपनी गंदगी उसके 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 वुंड के अंदर में दे दी। स्क्रब, क्लीन ड्रेस, स्क्रब, क्लीन ड्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे डॉक्टर साहब, हरियाणा से एक दर्शक है, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। मैं तिवारी बोल रहा हूँ। जी तिवारी जी, सवाल पूछिए। रात को ना जैसे अचानक रात को पेट में दर्द हो जाता है, गैस बन जाती है और पेट में घूमता रहता है चारों तरफ, और ये 2 महीने से है लगातार। उम्र कितनी है आपकी? लगातार मीन्स की महीने में एक आध बार लगभग हो जाता है। उम्र कितनी है आपकी? 43 इयर्स। आपको ये जो पेट में गैस की बीमारी है कितने साल से हो रही है? ये सर मुझे मतलब साल में एक आध बार हो जाता है, 2 साल पहले से लगभग। चलो मैं इस क्वेश्चन को जनरलाइज कर देता हूँ कि मेरे को गैस की प्रॉब्लम है, मेरे को पेट में जलन होती है, मेरे को पेट में दर्द होता है। यूजुअली एसिडिटी की जो बीमारी होती है वो 20 साल की उम्र में चालू होती है, 17, 18, 19, 20 साल की उम्र में चालू होती है। 40 साल की उम्र में जिंदगी में पहली बार अगर आपको एसिडिटी की बीमारी हो रही है, तो ये हार्ट की बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। इसमें हार्ट की बीमारी को जरूर रूल आउट कर लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गैस की बीमारी भी 40 साल की उम्र में पहली बार हो रही है, तो डॉक्टर को जाके अपना हार्ट जरूर चेकअप करा ले, पता लगा एंजाइना ना हो। अब गैस के बारे में घरेलू नुस्खे हैं, मैं आपको बता देता हूं। जिस चीज के 2 बराबर टुकड़े हो जाते हैं खाने के, जैसे राजमा, रवा, रोंगी, जैसे दालें, जैसे अखरोट, जैसे बादाम, इनको अगर आप कच्चा खाते हो या बिना पानी में भिगोए हुए खाते हो या बिना उबाले हुए खाते हो, तो पेट में गैस पैदा कर सकता है।
या फिर वो सारी चीज़ें जो ज़मीन के नीचे की हैं, जैसे मूली, गाजर, शलगम, आलू, इनको अगर आपने कच्चा खाया तो पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनेगी। गोभी जो सरफेस के अंदर में है, इनको या तो हल्की आँच में उबाल के खाओ या फिर 10 घंटे पानी में भिगो दो, 2-4 घंटे पानी में भिगो दो, उसके बाद खाओ। आपने देखा होगा बाज़ार में लोग मूली बेचते हैं, तो वो लोग मूली को बाल्टी के पानी में रखते हैं ताकि उसकी करवाहट निकल जाए। 2-4 घंटे पानी में रखा, उसके बाद अगर आप छील के खिलाओगे तो उसके अंदर में, मूली के अंदर में जो उसकी करवाहट है, उसका जो तमसपना है, वो ख़त्म हो जाता है। इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता तो हींग खाओ, दाल में हींग मिला के खाओगे तो आपकी जो दाल है वो पेट में गैस पैदा नहीं करेगी। फिर भी अगर दाल और दूध अगर 3 बार उबाल दे दो तो उसकी जो गैस की प्रकृति है वो ख़त्म हो जाता है। तो जिन लोगों को गैस दाल खाने को दाल सूट नहीं करती, बहुत गैस बनती है, तो दाल को हींग डालने के बाद में 3 उबाल दे दो, उससे आपको गैस कम बनेगी। ये घरेलू उपचार है, एलोपैथी इसके बारे में कुछ नहीं बोलता। ओके, तो उसके लिए एक घरेलू उपचार एलोपैथी में फिर क्या इलाज है जो अगर किसी को रेगुलर एलोपैथी, अगर हम गैस के बारे में और बात करें जिसको हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं, अब इसमें चाइनीज कॉन्सेप्ट अलग है। चाइनीज कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारे शरीर में जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो मुंह में जाके कार्बोहाइड्रेट टैलिन पैदा करता है, उसको एल्कलाइन मीडिया चाहिए। प्रोटीन को मेरे स्टमक के अंदर में एसिडिक मीडियम चाहिए। चाइनीज मेडिसिन ये कहती है कि अगर आपने मान लीजिए पराठा और पनीर खाया, पनीर का पराठा खाया, या आपने चीज़ सैंडविच लिया, तो ब्रेड मुंह में जाके एल्कली पैदा करेगी, पेट में जाके जो आपने पनीर खाया वो एसिड पैदा करेगा, और दोनों मिक्स हो जाएंगे तो हमारे पेट में गैस ज़्यादा बनेगी। सो चाइनीज मेडिसिन कहती है फूड कॉम्बिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि कौन सा खाना खाना, कौन सा खाना नहीं खाना। गैस पर और बात करेंगे, उसके पहले झारखंड से एक दर्शक है, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। सर मेरे, हेलो जी, सवाल पूछिए। सर मेरे बाएं हाथ की तलहटी में जलन होता है। बाएं हाथ की तलहटी में जलन मेरे दोनों हाथ में होता है कि सिर्फ बाएं हाथ में होता है? नहीं, सिर्फ बाएं में सर। सिर्फ हथेली में होता है? सिर्फ हथेली में होता है। हाँ जी, सिर्फ हथेली में होता है। जी जी, पैर के तलवे में। पैर के तलवे में सिर्फ एक पैर के? आपकी उम्र कितनी है जी? 45। डायबिटीज तो नहीं है आपको? जी नहीं। आपने चेक कराया था? डायबिटीज तो नहीं है। ये नॉर्मली अगर पैर के तलवे में दर्द हो, झुंझुनाहट हो, मुंगे बना आना हो, ऐसा लगता हो करंट मार रहा हो, इस सिचुएशन के अंदर में हमें ये देखना चाहिए कि हमारे शरीर में कोई विटामिन की डेफिशिएंसी तो नहीं है, खासकर विटामिन B12 की। अर्ली न्यूरोपैथी तो नहीं है पैर के अंदर में? स्मॉल फाइबर डिसीज के अंदर में, पहले एक पैर में फिर दोनों पैर के अंदर में ऐसा होता है। ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जो वेजिटेरियन होते हैं, जिनको B12 पूरा नहीं मिलता। तो उस सिचुएशन के अंदर में अगर आपका B12 की कमी है तो आपको अपना बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल डॉक्टर से बात करके आप ले लें तो शायद ये ठीक हो जाए। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी औरतों में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम लोगों ने धूप में बैठना बंद कर दिया। हमारे को बोला गया था कि वैशाख के महीने में, माघ के महीने में, कार्तिक के महीने में, साल में एक महीना 40 मिनट जाके धूप में बैठो, स्नान करो, जिसको हम शाही स्नान बोलते हैं, हम लोगों ने बंद कर दिया। तो औरतों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। उस सिचुएशन के अंदर में या तो धूप में बैठ के स्वेटर बुनो, नहीं तो महीने में एक दिन 60,000 यूनिट विटामिन डी का प्रिस्क्रिप्शन अपने डॉक्टर से बात करो और महीने में एक बार खा लो, तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी खत्म हो जाएगी। तीसरी चीज़, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी भी इंडियन औरतों में बहुत ज़्यादा होती है। तो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी भी रिलेटेड है एनीमिया के साथ में, खून की कमी के साथ में, उसमें भी आपको पैरों में मुंगे आ सकते हैं। और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी इसलिए होती है कि जब हम खाना खाते हैं तो उबालने के बाद में हम खाने को पानी को फेंक देते हैं, तो फॉलिक एसिड उसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो कहते हैं कि इसने भगवान ने दो ही प्रकार के जानवर बनाए हैं, या मीट खाने वाले या घास खाने वाले। हमें भी घास खानी चाहिए अगर हम मीट नहीं खाते। तो उस सिचुएशन के अंदर में अगर हम दुर्वा ग्रास या वीट ग्रास या जौ का ग्रास, इसका हफ्ते में एक बार जूस पिए तो हमारे को फॉलिक एसिड पूरा इसमें मिल जाता है। ओके सर, आप बता रहे थे स्प्रिन के बारे में, एक स्प्रिन के नाम से एक इको स्प्रिन भी आता है, तो दोनों में क्या अंतर है? स्प्रिन इन्होंने बोला, एक होता है एस्प्रिन और एक होता है इको स्प्रिन। इको स्प्रिन एक ब्रांड नेम है, ये एंट्रिक कोडेड दवाई है। एंट्रिक कोडेड दवाई का मतलब होता है जब आप इसको खाओगे तो स्मॉल छोटी आंत में जाके ये रिलीज होगी। तो ये उन लोगों को देते हैं जिनको हार्ट प्रिवेंशन के लिए 75 मिलीग्राम की गोली देते हैं ताकि पेट में जाके अल्सर पैदा ना करें। लेकिन अगर किसी को हार्ट अटैक है, उस सिचुएशन में ये काम नहीं करेगी। इसका असर आने में 4 घंटे लगते हैं, वहाँ पे तो आपको वाटर सॉल्युबल एस्पिरिन ही लेनी है। सो एंट्रिक कोडेड एस्पिरिन एक्यूट हार्ट अटैक के लिए नहीं है।
क्योंकि दोनों में खास अंतर है। जी हाँ, बिल्कुल अलग अलग है, एक एक वाटर सॉल्युबल है और एक वाटर इनसॉल्युबल है। ओके, तो इको स्प्रिन, इको स्प्रिन एंट्री कोटेड है, वो हार्ट अटैक में नहीं देते, वो हार्ट अटैक के प्रिवेंशन के लिए 75 मिलीग्राम की गोली देते हैं, और वाटर सॉल्युबल एस्पिरिन 300 मिलीग्राम की गोली को हम चबाते हैं। ओके, हम लोग बात कर रहे थे गैस गैस के बारे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस भी एक बीमारी है, दो गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस पर चर्चा पहले हरियाणा से दर्शक उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। सर मैं पूछना चाह रही हूं, जी मेरे हाथ में सर नाटा हरा हो जी, क्यों किस कारण रहो जी? फिर से अपना प्रश्न करिए। सर हाथ में सन्नाटा रहता है कभी कभी, ये किसकी कमी के कारण रहता है जी? हाथ में सनसनाहट रहता है। जैसे इन्होंने बोला कि मेरे, उम्र कितनी है आपकी? कट गया शायद, कट गया जी। हाथ में सनसनाहट, हाथ में मुंगे आना, हाथ में करंट लगना, हाथ के तलवों में या पैरों के तलवों में, इसका मतलब यही है, या तो आपको खून की कमी है, या आपको विटामिन्स की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, विटामिन डी की कमी है। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो याद रखिए, हर 3 महीने बाद में डीवर्मिंग करो, एल्बेंडाजॉल नाम की एक दवाई आती है, अपने डॉक्टर से बात करें और एक गोली को हर 3 महीने बाद चबा लें, पेट में सारे कीड़े मर जाएंगे। हफ्ते में एक दिन गुड़ चना खाओ, इसमें आयरन और फॉलिक एसिड दोनों आपको मिल जाएगा। इसके अलावा महीने में एक दिन विटामिन डी का 60,000 का एक पैकेट आता है, पाउच आता है, दूध में डाल के पी लिया, अपने डॉक्टर से बात करें। अगर आप धूप में नहीं बैठ सकते हैं और नेचुरल विटामिन डी नहीं ले सकते हैं, तो महीने में एक दिन आपको विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है। ये अलग प्रकार के वैक्सीन हैं जिनको हम वैक्सीन का दर्जा देते हैं, क्योंकि ये बीमारियों को बचाते हैं। ये सब अगर आप करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां आपकी वैसे ही खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा नए वैक्सीन आ गए हैं एडल्ट्स के लिए, टाइफाइड का वैक्सीन 3 साल में 1 बार, निमोनिया का वैक्सीन 5 साल में 1 बार, और फ्लू का वैक्सीन 1 साल में 1 बार, टेटनस का वैक्सीन 10 साल में 1 बार। ये वैक्सीन भी आम आदमी को लगवाने चाहिए। ओके, डॉक्टर साहब आपने बताया एल्बेंडाजोल हर आदमी को 3 महीने में 1 बार लेना चाहिए। एल्बेंडाजोल 2 प्रकार की गोली आती है, एक च्यूएबल एक नॉन च्यूएबल। नॉन च्यूएबल सस्ती होती है और च्यूएबल थोड़ी महंगी होती है। च्यूएबल जो है वो डिफरेंट फ्लेवर्स के अंदर में आती है, एक गोली ली और चबा ली। और आम जनता के लिए जहां सस्ती दवाई चाहिए, सिंपल एल्बेंडाजोल की गोली 3 महीने में अगर आप 1 बार खा लोगे तो खुद भी खाओ, चौकीदार को भी खिलाओ, सर्वेंट को भी खिलाओ, सबको खिलाओ, तो इससे क्या होगा, पेट में कीड़े मर जाते हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो खान पान, हमारी जो सब्जियां आती हैं उसके अंदर में हमारे को श्योरिटी नहीं होती कि उसमें कीड़ों के अंडे ना हो, और साफ पानी हमारे पास में शॉर्टेज होती है, तो उस कारण से वो कीड़े हमारे शरीर में जाके पेट में कीड़े पैदा कर देते हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर में हमारे को एल्बेंडाजॉल की गोली खा लेनी चाहिए। एक और चीज़, हमारे यहाँ एक कहावत है, एकादशी के दिन में चावल नहीं खाते। मैं इसमें थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ कि पुराने जमाने में जब ये कहावत निकली थी कि एकादशी को चावल नहीं खाना है, उस जमाने में सब लोगों के पेट में कीड़े होते थे, करीबन 5% पॉपुलेशन के पेट में कीड़े होते थे। एकादशी का व्रत पूर्णिमा से पहले किया जाता है, पूर्णिमा के दिन में हमारे शरीर में वाटर रिटेंशन होता है, और एकादशी के दिन में आप पानी नहीं पीते, वाटर फास्ट होता है, और वो वाटर फास्ट आप इसलिए करते हो ताकि पूर्णिमा में जो वाटर गेन होगा आप उसको बैलेंस कर सको, और आपको मानसिक जो संतुलित जो खराब है, हमारा संतुलन जो खराब हो जाता है वो ना हो। और डिहाइड्रेशन, पेट में कीड़े सहन नहीं कर सकते, तो एकादशी के दिन में आपने पानी कम पिया तो पेट के कीड़े हैं अंदर, वो जो है फास्टिंग में चले गए, उनको प्यास ज़्यादा लग रही है, और उनका जो मेन खाना है वो चावल, अगर आप चावल दोगे तो चावल की तरफ भागेंगे, और वो जाके कोई जाके गॉलब्लैडर में घुस जाएगा, कोई अपेंडिक्स में घुस जाएगा, और कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देगा। शायद इसलिए हमारे पुराने जमाने में कहा गया था कि एकादशी के दिन में अगर आप वाटर फास्ट कर रहे हो तो उस दिन चावल मत खाओ, क्योंकि ये चावल आपके पेट में राक्षस बन के कीड़े बन जाएंगे। तो शायद यही एक कारण था कि एकादशी के दिन में कीड़ों का ही महत्व है एकादशी के टाइम पे, जिनके पेट में कीड़े ज्यादा होते हैं, अगर आप एल्बेंडाजॉल की गोली खाते हो फिर आपको एकादशी के व्रत में चावल खा सकते हो। तो और कब खाएं इस, क्योंकि पहले तो दिया जाता था रात में पानी के साथ, लोग खाता था एल्बेंडाजॉल के टैबलेट, जब मर्जी खा लें, जो च्यूएबल टैबलेट है जब आपका मन करे 3 महीने में 1 बार खा लो। मैं तो नॉर्मली ये करता हूँ कि सारे सर्वेंट्स को साथ में लेके खाओ, अदरवाइज वो बोलेंगे पता नहीं हमें क्या खिला रहा है। सही बात है, तो ये बहुत ही लाभदायक उस केस में होगा पेट की बीमारियों पर, कीड़े के बारे में। साल में 2 बार, अगर आप 4 बार नहीं खा सकते तो 3 बार, 3 बार नहीं खा सकते तो 2 बार, 2 बार नहीं खा सकते तो साल में कम से कम 1 बार डीवर्मिंग की टेबलेट जरूर खाएं। ओके, और विटामिन डी का उसका नाम क्या है जो आप बताएंगे? विटामिन डी के सैचेट्स आते हैं मार्केट में, आप किसी भी डॉक्टर से बात करें, 60,000 यूनिट्स के विटामिन D3 के सैचेट्स आते हैं, कम से कम 500 कंपनियां इसके बारे में बनाते हैं। अगर आप डॉक्टर से बात करें, उसको दूध में मिलाकर खा ले, एक छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं, दूध में ले लो, पानी से ले लो, सीधा फांक लो, नॉर्मली हम कहते हैं दूध के साथ में ले लो, कैल्शियम भी साथ में आपको मिल जाएगा। महीने में
महीने में एक बार, अपने फर्स्ट तारीख को हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ यू कैन टेक। आज स्टार्ट कर रहे हो तो हर 28 तारीख को। पहले उत्तर प्रदेश से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो। जी सवाल पूछिए। हेलो। जी सवाल पूछिए। हाँ, मेरे लड़के की एज 48 है और उसको कई साल से 92, 93, 94 and 160, 140 ब्लड प्रेशर रहता है और थोड़ी डायबिटीज भी है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मैं बहुत वरीड हूँ। उनका वजन कितना है? जी वजन कितना है? उनका वजन 68, 69 के करीब है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो चीज़ फ्री में मिलती है उसको लेना बंद कर दो। ये तो आपका इलाज है, लड़के का इलाज मैं बाद में बताऊंगा। आपका जो इलाज है कि जो चीज़ भी फ्री में मिलती है आप उसको लेने की आदत है, जैसे वरी फ्री में मिलती है इसलिए आप ले रहे हो, तो वरी तो बंद करो, जो फ्री में मिल रहा है उसको हटा दो। तो आज से वरी बंद आपकी। दूसरा, आपने बोला उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और उसकी डायबिटीज़ है थोड़ी सी, तो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि किसी भी उम्र में बीपी को 120/80 से कम रखें और फास्टिंग शुगर को 80 से कम रखें। इसका मेरा एक फार्मूला है, फार्मूला ऑफ 80। दिल की धड़कन, नीचे का ब्लड प्रेशर, गंदे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, फास्टिंग शुगर और पेट की चौड़ाई, सबको 80 से कम रखें। अब कैसे रखें? तो अपने बेटे को बोलो चीनी चावल मैदा बंद कर दे, साल में 80 दिन उपवास करे, यानी कि साल में 80 दिन अनाज ना खाए। उस दिन वो फल खा सकता है, फलाहार कर सकता है, व्रत की तरह फलाहार कर सकता है। ऐसे एरिया में ना बैठे जहाँ पे 80 डेसिबल से ज़्यादा नॉइस हो। दिन में 80 मिनट 80 बार प्राणायाम करें, 80 साइकिल ऑफ प्राणायाम करें। एक प्राणायाम का मतलब है जो कि 15 से 20 सेकंड के अंदर में होता है, 80 साइकिल करें। सिगरेट ना पिए, पिएगा तो 80,000 का खर्चा आएगा। शराब ना पिए, पिए तो 80 ml से कम। इसके अलावा खाना कम खाए, एक बार में 80 ग्राम से कम। लिक्विड कैलोरीज एक बार में 80 ml से कम। अगर ये आप सब कुछ करते हो, दिन भर में 80 मिनट चलें, एक हफ्ते में 80 मिनट तेज चलें और कम से कम एक मिनट में 80 कदम से ज़्यादा चलें, अगर आप ये करते हो तो धीरे 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 आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। और इससे भी कंट्रोल नहीं होता तो डॉक्टरी दवाई ज़रूर लेके बीपी को 120/80 से कम रखें और फास्टिंग शुगर को 80 से कम रखें। ओके, सो 92 और 160, 148 एज में 120/80 से कम रखेंगे। 140/90 से ज़्यादा है तो शायद आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। 140/90 से कम है तो आप लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हैं। ओके, अक्सर हम लोग बात करते हैं विटामिन डी के सैचेट लेने के बारे में, कोई भी उसको चाहे दूध में या पानी में लेकर पी ले महीने में एक दिन। वो आसान है, लोग क्या करते हैं विटामिन डी के इंजेक्शन लगा देते हैं या फिर विटामिन डी के कैप्सूल रोज के दे देते हैं 2000 यूनिट का। याद रखिए अमेरिका में विटामिन डी की डेफिशिएंसी कम है, वहाँ पे विटामिन डी की रिक्वायरमेंट कम है, हमारे को विटामिन डी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। इसलिए हमारे यहाँ पे 60,000 यूनिट, अदरवाइज आपको 2000 यूनिट रोज लेना पड़ेगा। आसान है, महीने में एक दिन आपने 60,000 यूनिट का सैचेट ले लिया और वो पूरी फैमिली को खिला दिया। ओके, अपने डॉक्टर से आप इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं, अगर आपका डॉक्टर एग्री करता है तो आप अपना प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, एक प्रिस्क्रिप्शन आपको साल भर तक चलेगा। झारखंड से एक दर्शक है, उनका सवाल है। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो सर, एक्चुअली मेरी उम्र 18 साल है जी। और मुझे एलर्जी और साइनस माइग्रेन है, तो मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वो माइनिंग एरिया है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करने पे वो कुछ इंजेक्शन देते हैं जो स्किन में लेना होता है। जब तक इंजेक्शन वगैरह लेते हैं तब तक सब कुछ ठीक रहता है, और इंजेक्शन का कोर्स कंप्लीट होता है फिर वापस मुझे मतलब इरिटेशन होने लगता है, मतलब स्कूल से आने के बाद पूरा सर दर्द होता है। इनका एलर्जी साइनस माइग्रेन है, जब दवा लेते हैं डॉक्टर से दिखाने तब तो ठीक रहता है। एलर्जी, माइग्रेन और हेडेक, साइनस, ये इसका एक ही इलाज है, घरेलू इलाज है। किसी भी आप एक योगा एक्सपर्ट को बुला के जल नीति सीख लें, गर्म पानी लोटा और थोड़ा सा उसमें नमक और मीठा सोडा, उतना नमकीन बनाना है कि एक 0.9% बन जाए, यानी कि 100 ml के अंदर में 9 ग्राम आप 0.9% जब आप इसको बना देते हैं, जो कि नॉर्मल सेलाइन कहलाता है। इसके साथ में अगर आप जल नीति करते हैं, नाक को साफ करते हैं, साफ करने के बाद में आप भस्त्रिका करके सारा पानी को निकाल देते हैं, किसी भी अच्छी जगह पे आप सीख सकते हैं और कंटिन्यूसली अगर आप करते हैं तो ये तीनों प्रॉब्लम आपके इकट्ठे हो जाएंगे। माइग्रेन अगर इससे रिलेटेड नहीं है तो इसका इलाज अलग है, लेकिन साइनस और जुकाम वगैरह तो सारी चीज़ें जल नीति से ठीक हो सकती है। एक उत्तर प्रदेश से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए।
हाँ सर जी, सवाल पूछिए। हाँ सर जी पूछिए पूछिए। सर हमारी मिसेस को बोलिए बोलिए जो है मतलब मस्तिष्क में दिखाया था तो बता रहा है मस्तिष्क में लार्वा ऐसा है। मस्तिष्क में लार्वा जैसा है? हाँ बहुत अच्छी सवाल है ये। मस्तिष्क में लार्वा है, इसको जैसे शुरू में मैंने कहा था न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। अगर आपने मीट खाते हैं और आपका मीट अगर आपका पूरा बॉयल्ड नहीं है, पूरा कुक किया हुआ नहीं है, तब ये होता है। या फिर आप कच्चा सलाद खाते हैं, कच्ची मूली, कच्चे गाजर, कच्चे गोभी, और ये सलाद अगर आप कच्चा खा लेते हैं तो उसके अंदर में अगर उससे ही आपको बीमारी हो सकती है, जिसको बोलते हैं न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। MRI के अंदर में ये कन्फर्म हो जाती है। इसके लिए फिर आपको इसको जो कीड़े मारने की दवाई सुबह शाम 7 दिन या 14 दिन दी जाती है, और अगर आपको फिट पड़ा तो फिट की दवाई भी दी जाती है। और आगे से खान पान ध्यान रखें। लोग सोचते हैं कि सिर्फ मीट खाने से होती है, नहीं, ये कच्ची सब्जियां अगर साफ़ सुथरी नहीं है उससे भी ये बीमारी हो सकती है। ओके, तो इलाज इसका इलाज है पूरा, अपने डॉक्टर के पास जाइए, पूरा इलाज करेगा और ठीक हो जाएगा। ओके, घबराने की बात नहीं है, आम बीमारी के तौर जैसा है, जो अगर साफ सुथरा सब्जी वगैरह नहीं खाते हैं तो। हेल्थ हाइजीन, अपना फूड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, हैंड हाइजीन, सेक्सुअल हाइजीन, अगर आप हाइजीन को मेंटेन करते हो तो आगे जाके आपको बीमारियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हैंड हाइजीन एंड वैक्सीनेशन एंड विटामिन डी फॉल याद गुड़ चना हफ्ते में एक बार और एल्बिल्डाजोल की गोली, अगर आप ये खाते हो तो स्वस्थ रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक दो क्वेश्चन और लेंगे, पंजाब से एक दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। सर हर्निया का कोई जी नहीं, हर्निया का बताओ बिना ऑपरेशन के दूसरा इलाज है कोई? हर्निया बिना ऑपरेशन ठीक हो सकता है? हर्निया तो अगर हर्निया ज़्यादा है और अपसेट कर रहा है और या फिर बड़ा है और तंग कर रहा है तो ऑपरेशन ही कराना चाहिए। अगर आप लोकल इलाज कराते हो तो वो कब तक चलेगा? अगर हर्निया बढ़ गया या अपसेट कर गया तो तकलीफ दे सकता है। छोटा सा हर्निया है यू कैन मैनेज, बट हर्निया तो यूजुअली सजेशन यही है कि ऑपरेशन करा लो, हर्निया हाइड्रोसील ऑपरेशन करा लेना चाहिए। हर्निया और प्रोस्टेट में क्या अंतर है? दोनों बहुत फर्क है। हर्निया इंटेस्टाइन बाहर निकल आता है, प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जो ब्लैडर के साथ में होती है, और प्रोस्टेट अगर आपको होगा तो पेशाब रुक रुक के आएगा, रात में आपको 3-4 बार उठना पड़ेगा, और अगर आपको क्लासिकल खड़ा होता है कि आप एक जहाँ पे लोग यूरिन कर रहे हैं यूरिनल के पास जाके खड़े हो जाइए, कोई आदमी तो 30 सेकंड में पेशाब करके निकल जाएगा, कोई आदमी 2.5 मिनट में निकल रहा है, जो आदमी 2.5 मिनट में निकल रहा है समझ लो उसको प्रोस्टेट की बीमारी है। okay. उसको पेशाब रुक रुक के आएगा या फिर पूरा उसको फीलिंग लगेगी कि मेरा पेशाब पूरा नहीं उतरा, उसकी धार कम होगी। ओके, सो अंत में डॉक्टर साहब एक स्वस्थ रहने के लिए आप क्योंकि बहुत सारे फार्मूला बताए तो 2-3 फार्मूला क्या लोग करें उसके? मैं तो एक ही फार्मूला बता देता हूँ, फार्मूला ऑफ 80, दिल की धड़कन, गंदे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, फास्टिंग शुगर, पेट की चौड़ाई और नीचे का ब्लड प्रेशर, सबको 80 से कम रखें। दिन भर में 80 मिनट चलें, एक हफ्ते में 80 मिनट तेज चलें, 1 मिनट में 80 कदम चलें, 80 प्राणायाम करें, साल में 80 दिन खाना में अनाज ना खाएं, दिन भर में 80 ग्राम से ज़्यादा कैलोरिक फूड एक बारी में ना लें, 80 ml से ज़्यादा कैलोरिक लिक्विड ना लें, इसके अलावा आप 80 decibel से ज़्यादा नॉइस एटमॉस्फेयर में ना बैठें, सिगरेट ना पिएं, 80,000 का खर्चा आ जाएगा, शराब ना पिएं, शराब पीते हैं तो 80 ml से कम पिएं, और उसके अलावा हाइजीन, सेक्सुअल हाइजीन, अपने प्राइवेट पार्ट्स को धोएं अच्छे से, हैंड हाइजीन, अपने हाथ को खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, शौच से पहले, शौच के बाद में ज़रूर धोएं, रेस्पिरेटरी हाइजीन, जो खांस रहा है, चिल्ला रहा है, गा रहा है, उसे 3 फुट दूर रहें, इसके अलावा जो है पर्सनल हाइजीन, अपने शरीर को अच्छे से नहलाएं, पहले पैरों को, फिर हाथ को, फिर मुंह को, फिर एक दांत को, फिर मसूड़े को, फिर जीभ को, फिर ऊपर के हिस्से के तलवे को, उसके अलावा कान को, नाक को, जलनीति करें, ये सब चीज़ आप करते हैं, और वैक्सीनेशंस लें, जो वैक्सीन आपके फ्लू, टाइफाइड, निमोनिया वैक्सीन हैं वो लें, उत्तराखंड के 3 महीने में एक बार एल्बेंडाजोल की गोली, हफ्ते में 1 दिन गुड़ चना, और साथ में 1 महीने में 1 बार विटामिन टी। चलिए एक चलते चलते उत्तराखंड से दर्शक उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। सर जी मेरी उम्र 55 साल है जी, मुझे 5-6 साल से कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, 225 के ऊपर ही जाता है। अगर आपका बीच बीच में वास्टेटेड एक वो साल्ट आता है लेता रहता हूँ पर वो नीचे नहीं आता। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो घी, तेल, मक्खन 1 महीने में 0.5 किलो से ज्यादा मत लीजिए, खूब सारी एक्सरसाइज करिए, मीट अगर आप खाते हैं तो वो कम कर दीजिए, हटा दीजिए, अगर ले सकते हैं तो फिश ले सकते हैं, और खूब सारी एक्सरसाइज करिए, अगर इससे भी कम नहीं होता तो फिर आपको दवाइयों की ही जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा आपका गुजारा नहीं है।
मित्रों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के व्याख्यान को यहीं ख़त्म करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि आप डॉक्टर साहब की सलाह को मानेंगे और स्वस्थ रहेंगे। और साथ में यह भी बता दूं कि हमारा उद्देश्य सिर्फ आप तक ज्ञान पहुंचाना है, न कि इलाज करना। इलाज करने के पहले ज़रूर आप अपने चिकित्सक को दिखाइए। 23 सितंबर को तालकटोरा गार्डन्स, तालकटोरा स्टेडियम के अंदर में दिन भर हमारे क्वेश्चन आंसर्स चलेंगे। बहुत सारे डॉक्टर्स आपके सवालों के लाइव जवाब देंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आके भी हम लोगों से सवाल पूछ सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक सारे दिल्ली के काफ़ी टॉप डॉक्टर्स वहाँ पर लोगों के सवालों के जवाब देंगे। चलिए, अच्छी बात है। एक और आपको फोरम मिल गया जहाँ आप सवाल कर सकते हैं, अपने बीमारी के बारे में जान सकते हैं। तो मित्रों, आप सबको धन्यवाद और आपके ओर से डॉक्टर के अग्रवाल को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने व्यस्त समय से यहाँ आने के लिए अपना वक्त निकाला और हम लोगों को काफ़ी जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।